10 राष्ट्रीय वे अनेक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके सीएना चोपड़ा कुरुक्षेत्र जिला परिषद की वाइस चेयरमैन बन गई है। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी डीपी ने खुद उन्हें अपनी वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया। साथ ही सीएना चोपड़ा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 देने की अनुशंसा भी की। आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र जिला परिषद कार्यालय में अपने परिवार सहित पहुंची सीएना चोपड़ा का जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी डीपी, सीईओ अशोक मुंजाल एओ सत्यभूषण ने सीएना चोपड़ा को मेडल पहनाकर प्रशंसा पत्र सौंप कर उन्हें सम्मानित किया। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी डीपी ने बताया कि 8 वर्षीय सीएना चोपड़ा की उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। इस उपलब्धि पर उन्हें सम्मान स्वरूप एक दिन के लिए जिला परिषद का वाइस चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने बताया कि सीएना चोपड़ा सपुत्री प्रदीप चोपड़ा निवासी गोरगढ़ जिला करनाल ने भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु आवेदन किया है। सीएना चोपड़ा के नाम 10 राष्ट्रीय व अनेक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिसमें अफ्रीका के 2 प्रसिद्ध पर्वतों को रिकॉर्ड समय में फतेह करना शामिल है, जिसमें माउंट मेरू पर्वत जिसकी ऊंचाई 15,000 फीट है उसको 39 घंटों में फतेह कर रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके अतिरिक्त इस बेटी ने 23.50 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 10 मिनट में पूरी की। सीएना चोपड़ा ने टेनिस खेलते हुए लगातार 1119 टेनिस रैली 37 मिनट 30 सेकंड में करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। सीएना चोपड़ा ने 75 हार्ड डे चैलेंज में सफलता हासिल की है और 365 हार्ड डे चैलेंज एक्सपेक्ट करने वाली पहली भारतीय लड़की है। सीएना चोपड़ा संसार में छोटी वे पहली बालिका है जिन्होंने इस चैलेंज को पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सीएना ने सुबह 1.5 घंटे में शाम को 3 घंटे की प्रैक्टिस करके इस चैलेंज को पूरा किया और इंडिया बुक ऑफ अवार्ड और एशिया बुक ऑफ अवार्ड में भी सीएना चोपड़ा का नाम दर्ज है। धर्मपाल चौधरी डीपी ने कहा कि मुझे गर्व है कि ये मेरे प्रदेश की होनहार बेटी है। मैं सीएना चोपड़ा द्वारा किए गए अद्भुत कार्य के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 देने की भी अनुशंसा करता हूँ। जो हमारी बेटी सीएना चोपड़ा जो 8 साल की उम्र में जिन्होंने एक ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, जिन्होंने मात्र 6-6.5 साल की उम्र में माउंट मेरू पर्वत जो 15,000 फीट की ऊंचाई मात्र 39 घंटे में वहां जाकर नीचे आने का काम किया, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, भारत की ऐसी पहली बेटी जो इतनी छोटी उम्र में जिसने इतने कीर्तिमान स्थापित किए, साथ ही 23.50 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 10 मिनट में पूरी की, सीएना चोपड़ा ने टेनिस खेलते हुए लगातार 1119 टेनिस रैली 37 मिनट 30 सेकंड में पूरी करने का काम किया, विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। उसके साथ सीएना चोपड़ा ने 75 हार्ड डे चैलेंज में सफलता हासिल की और 365 हार्ड डे चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली पहली भारतीय लड़की सीएना चोपड़ा संसार में छोटी व पहली बालिका जिन्होंने चैलेंज को पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। सेना ने सुबह 1.5 घंटा और शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस करके ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। पूरे विश्व में चैलेंज पूरा कर इंडिया बुक ऑफ अवार्ड और एशिया बुक अवार्ड में सेना चोपड़ा का नाम दर्ज हुआ है, जिसकी इन्फ्लुएंशियल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आज ट्रॉफी जो आई है हमने अपने हाथों से, माननीय अशोक मुंजाल जी हमारे जिला परिषद के सीईओ, हमारे एओ साहब जो साथ थे हमारे, हम सब ने मिलकर इसको सम्मानित करने का काम किया और आज मैंने अपनी चेयर एक दिन के लिए सीएना चोपड़ा को देकर वाइस चेयरमैन जिला परिषद इनको कुर्सी सौंपने का काम किया, ताकि ऐसी बेटी ऐसे कीर्तिमान स्थापित करती रहे और पूरे राज्य में पूरे देश में ऐसे बहुत से अधिकारीगण हैं, बहुत से मंत्रीगण विधायकगण जिन्होंने सीएना चोपड़ा को सम्मानित करने का काम किया। मैं आप सब के माध्यम से पुनः एक अपील करता हूं कि हम सब इस बेटी को बढ़ाने का काम करें, हम सब इस बेटी को मजबूत करने का काम करें, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी इनको अवार्ड देकर सम्मानित करने का काम करें। छोटी उम्र में खेलने वाली ये बेटी आगे बढ़कर अपने भविष्य को संवारे और देश को नए मेडल दिलवाकर देश का नाम ऊंचा करने का काम करें। ऐसी शुभकामनाएं और ऐसी प्रेरणा और ऐसा प्रोत्साहन और उत्साह हम सेना को सीएना चोपड़ा को देना चाहते हैं।
साथ ही इनके पिताजी प्रदीप चोपड़ा जिन्होंने दिन रात, और इनकी माताजी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बेटी को देश के लिए एक ऐसी बेटी बनाया जो देश का नाम ऊंचा कर रही है, इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। और सेना चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई, वो इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए आगे वो यूं ही तरक्की करती रहे। धन्यवाद। नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और देख के भी अच्छा लगता है कि 8 साल की गुड़िया भी बहुत छोटी ही एज है इसकी, और इतने बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ना जो कठिन भी है उन पर चढ़ना, और साथ में दौड़ में भी काफ़ी अच्छी है, टेनिस में भी काफ़ी अच्छी है, मतलब मल्टी टैलेंटेड गर्ल, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैं गुड़िया को तो है ही है इसके लिए बधाई, और इनके माता पिता को भी बधाई देना चाहूँगा जो इनका गुड़िया का हौसला अफजाई करते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं। और साथ ही मैं हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी प्रतिष्ठित जो चेयर है एक दिन के लिए गुड़िया को स्पर्द की, तो इनका भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। इतनी अचीवमेंट आपने हासिल किया, कितना कठिन परिश्रम करके, कितनी मेहनत करते इसके लिए? बहुत कठिनाई आई थी बीच में, फिर भी मैंने ये चैलेंज पार कर दिया। क्या क्या चैलेंज पार कर चुके हैं? अभी तक मैंने माउंटेनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, रनिंग का बनाया है, 24 किलोमीटर रनिंग की 2 घंटे 10 मिनट में। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना हार्ड वर्क करते हैं आप? बहुत। कौन सपोर्ट करता है, मम्मी पापा दोनों करते हैं, पापा दोनों? सेना आगे बेटे क्या और करना चाहते हो आप, और क्या इच्छा आपकी, और क्या क्या अचीवमेंट हासिल करनी है? नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी माउंट एवरेस्ट पे जाने का है। ये है जी हमारे लिए मान की बात है कि बेटी को धर्मपाल जी ने, मामा जी भी लगते हैं मेरे, और चेहर पे बैठा के सम्मानित किया। ऐसे बड़ा हमारे लिए गर्व का पल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी चेयर छोड़ के सम्मानित करते हैं, तो मुझे ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तो ये हमारा हौसला होता है आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम एक नई राह पे चलें, मेहनत करते रहें। ये हमारा बच्चा हमारे लिए तो आज ओलंपिक के बराबर है कि जो चेयर मिली है, क्योंकि बहुत लोगों के नसीब नहीं होती, और जो जिनको नसीब होती है वो उसके लिए अच्छा काम नहीं करते। ये सबसे बड़ा बेटी का क्रेडिट है कि बेटी ने मेहनत की और सर ने उसको इस लायक समझा और अपनी चेयर खुद की छोड़ दी, और ये बेटियों के लिए भी सम्मान है। इस बेटी का सम्मान नहीं है, ये सारी बेटियों का सम्मान है जिनके लिए प्रेरणा रहेगी कि वो भी मेहनत करें। मोटिवेशन आपकी रहती है बच्चे बच्ची की मेहनत की, आप कोई लक्ष्य रखा आपने जीवन में बच्ची के लिए क्या होता है? हाँ, मेरा एक ही लक्ष्य है कि जी सभी बेटियों को सम्मान मिले, क्योंकि मोस्टली लोग बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते, तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि बेटियों को सभी लोग सम्मानित करें, जन्म दें, और बेटी ओलंपिक्स में सबसे पहले सबसे कम एज में जाके मेडल जीते देश के लिए। बेटी को सर ने जो सम्मान दिया है
बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में देख के, उसको देख के जो मेहनत कर रही है आगे भी ऐसी बढ़ती रहे और इसका सम्मान ऐसे ही मिलता रहे, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और मैं चाहती हूँ कि हर बेटी को ऐसे ही सम्मान मिले, हर बेटियों को फील्ड में आगे लेके जाया जाए, ताकि वो चाहे वो किसी भी फील्ड में आगे आए बट बेटियों को किसी भी वजह से पीछे ना रहने दे। सबसे मेन मोटिव हमारा इसी का है कि इसको देख देख के हमारे देश की और भी बेटियाँ आगे आएँ।